बापूजी की चेतावनी को अनसुना करके, इग्नोर करके वनराज शाह परिवार को करेगा पूरी तरह से बर्बाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। वनराज शाह अपनी तरफ से तो ये दिखा रहा है कि उसे शाह परिवार की बहुत चिंता है, शाह परिवार के प्रति बहुत फिक्र है, शाह परिवार के आने वाले बच्चे के प्रति बहुत फिक्र है। मगर इस फिक्र से जो चीजें वो कर रहा है वो पूरी तरह बर्बादी की तरफ ही जाती हैं। इसीलिए बापूजी ने आज साफ शब्दों में वनराज को वार्निंग दे दी कि जो तू कर रहा है वो गलत है। ये तक कह दिया कि जेल बना दिया है तूने घर को। तो ये बात बापूजी के मुंह से आना, इसके बारे में सोचना चाहिए था वनराज को। मगर जो वनराज का जेस्चर था, जिसमें वो लड्डू खा रहा था, जिस शक्ल के साथ, जिस एक्सप्रेशन के साथ लड्डू खा रहा था, वो यही दिखाते हैं कि वनराज शाह ने कुछ और ही प्लानिंग करके रखी हुई है शाह परिवार को बर्बाद करने के लिए। बात करते हैं पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। वनराज शाह कुछ ज्यादा ही सुधर के आ गया अपने रिहैब सेंटर से, ऐसा ही लग रहा है। जो वनराज शाह पहले था, क्रूर वनराज शाह जो डेविल था, वो और बड़ा डेविल बन के आया है, क्योंकि अब वो सारा गुस्सा जोर जोर से बोल के नहीं निकालता है, अंदर रखता है। अंदर रख के वो कुछ ऐसी सख्त प्लानिंग करता है जो आने वाले भविष्य में खतरनाक साबित होगी। अब काव्या उस घर की एक ऐसी सदस्य है जिसने जब से इस घर में कदम रखा है कभी घर वालों ने उसको अपनाया ही नहीं। कुछ घर वालों को छोड़ के, जैसे कि बापूजी और समर्थ और केंजर, तो यहां अब बा ने काव्या को अपना लिया। मगर अब काव्या के पेट में अनुरुद्ध का बच्चा है, इस बात को वनराज शाह एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा और इस बात से उसके घर का माहौल इफेक्ट हो रहा है। उसे काव्या तो चाहिए वनराज को, मगर बिना बच्चे के। अगर बच्चा हो तो वनराज का हो, मेल ईगो है, बड़ी बात है उसके लिए। तो इसीलिए वो अब कुछ और ही सोचने लग गया है दोस्तों। एक तो पहले ही उस घर में उल्लू बोल रहे थे, पहले ही शाह परिवार कट कट के इतना रह गया है। अब जो चार सदस्य बचे हैं उसमें एक डिम्पी है, जिसके लिए उसने घर को जेल बनाया हुआ है, जो बापूजी ने कहा। और बापूजी ने साफ शब्दों के लिए में कहा कि मैं काव्या की ही बात नहीं कर रहा, मैं डिम्पी की भी बात कर रहा हूं। अब यहां पे जो लास्ट फ्रेम हम देखते हैं वनराज शाह का, उसमें यही दिखाई दे रहा है कि उसने काव्या के लिए भी कुछ सोल्यूशन सोच लिया है और डिम्पी के लिए भी। और इसी बीच में वो अपने नए एम्प्लॉयर की बात करता है, उसके बेटे की बात करता है। तो बहुत सारी प्लानिंग्स जो है वनराज शाह के दिमाग में चल रही हैं दोस्तों, और ये प्लानिंग्स कोई अच्छी प्लानिंग्स नहीं होंगी। क्योंकि जैसा कि बापूजी ने कहा कि तू सबको कंट्रोल करना चाहता है, अब वो ऐसी ही प्लानिंग कर रहा है जिससे कि कुछ ऐसा हो हर कोई उसके कंट्रोल में आ जाए और उसी के हिसाब से आगे आगे चले। तो ये जो वनराज शाह की प्लानिंग्स है, जिसमें काव्या के साथ भी कुछ अच्छा होता दिखाई नहीं दे रहा। काव्या अब इसको कैसे देखती है, क्योंकि वो तो वनराज को जानती है, तो घर छोड़ने का फैसला तो कर लिया है। मगर वनराज शाह जिस तरह से पोर्ट्रेट कर रहा है कि उसको काव्या की चिंता भी है, और इस हिसाब से वो बापूजी की बात भी सुनने की जो है नाटक कर सकता है। तो वनराज शाह को हम देखेंगे आने वाले कड़ियों में कि वो क्या क्या करता है, क्योंकि बहुत ही अलग इरादों के साथ वनराज शाह को हम अब देख पा रहे हैं। आपका क्या कहना है इसके बारे में जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।